श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं मृदु समाचार मेगा हर्ष पर अपना सामुदायिक रेडियो ललित लोकवाणी के अलावा। हम लोग यहाँ करीब 2000 सन 2000 से काम कर रहे थे और यहाँ पे जहाँ जो हमारे साई ज्योति की जो टारगेट कम्युनिटी है वो पूरी शहरिया कम्युनिटी के साथ हम लोग काम करते हैं और हम लोगों ने महसूस किया कि यहाँ के जो पिछड़ेपन का कारण है समुदाय का या यहाँ के जो पूरे एरिया का जो पिछड़ेपन का कारण है उसमें बहुत बड़ा कारण जानकारी का अभाव भी है। लोगों को जानकारी नहीं है और जानकारी के अभाव में लोग सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते, जो उनके अधिकार हैं उन अधिकारों को नहीं पा पाते हैं। तो हम लोगों ने जब सरकार ने इसको लाइसेंस इशू किया तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम इस एरिया में जहाँ पे हम लोग काम करते हैं वहाँ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इस्टेब्लिश करें और हम लोगों ने वहाँ पे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बनाया और इसके माध्यम से हम लोग लोकल बुंदेली लैंग्वेज में बुंदेली भाषा में सुदूर गाँव तक हम लोग एक प्रयास करते हैं कि उनकी भाषा में उनको सरकार की योजनाएं और स्वास्थ्य संबंधी और जो भी योजनाएं हैं किसी प्रकार के उन तक पहुंचाना, ये हमारा उद्देश्य है कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से। हमारे ये जो रेडियो स्टेशन है इसका कवरेज एरिया जो है 15 से 17 किलोमीटर का है जिसके अंतर्गत करीब 120 गांव आते हैं। 120 गांव में से करीबन इसमें जो बिरधा और जखौरा दो ब्लॉक कवर करता है, जो 60 गाँव जो है हमारे बिरधा के आते हैं और 40 गाँव जो है जखौरा के हैं और इसके बाद 20 गांव हमारा लगा हुआ है अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट एमपी लगा हुआ है चंदेरी का, तो यहाँ पे निकल जाता है 20 गांव का। तो इस तरह से हम लोगों ने मैपिंग जो की है तो 120 गांव की टोटल है अभी हमारे पास। और अगर इसकी जनसंख्या की हम बात करें तो करीबन 1.5 से 2 लाख व्यक्तियों तक इसकी जो है पहुँच है। टीका 9 महीने के बाद भी तो होता है। हाँ, 9 महीने के बाद हो प्रसव। तो इसका समय क्या है प्रसवों का? क्या आप ललित लोकवाणी केंद्र से जो रेडियो पर प्रसारण होता है आप कार्यक्रम सुनती हैं? कौन से कार्यक्रम आपको पसंद है? जैसे कि सुनो मेरी बहना कार्यक्रम है, इसमें महिलाओं के टीकाकरण के बारे में भी बताया जाता है और बच्चों को ठंडी से कैसे बचना चाहिए, ठंडी में क्या उपाय करना चाहिए, जैसे बहुत से कार्यक्रम मैं सुनती हूँ। ललित लोकवाणी से जो प्रसारण होते हैं इसमें सभी कार्यक्रम, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ लेडीज़ से रिलेटेड बताए जाते हैं कार्यक्रम। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि चाहे प्रेग्नेंट लेडी हो, गर्भवती महिला हो, या छोटे बच्चों से संबंधित कार्यक्रम हो या औरतों से संबंधित कार्यक्रम हो, इसमें सारे प्रोग्राम जो हैं इसमें सभी कुछ बताए जाते हैं। कार्यक्रम बनाने का जो हम लोगों का सोर्स है, जिस तरह से हम कार्यक्रम बनाते हैं उसके पीछे हम पहले समुदाय से जानकारी लेते हैं कि उन्हें किस तरह के कार्यक्रमों की, किस तरह की जानकारी की ज़रूरत है। तो जब हम उनसे बात करते हैं उसके हिसाब से हम लोग कार्यक्रम बनाते हैं और समुदाय हमारे कार्यक्रम को सुन रहा है और सुनने के बाद लोग बहुत सी चीज़ों को अपना रहे हैं और लोगों में इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। हम लोगों ने 60 गाँव में बिरधा और जखौरा के दो ब्लॉकों में 60 गाँव में हर गाँव में एक विलेज रिपोर्टर बनाए हुए हैं जो हमें गाँव की सूचनाएँ देता है और उन्हीं विलेज रिपोर्टर के माध्यम से हम लोगों ने हर गांव में एक एक श्रोता समूह है तो उस समूह में हम लोग बैठ के जो है नेरोकास्टिंग का आयोजन या कम्युनिटी इवेंट जो भी इस तरह की गतिविधियां करनी होती हैं तो जिस तरह की गतिविधियां करनी होती हैं तो वो हम लोग फील्ड स्तर पर जाकर करते हैं। रेडियो एक ऐसी है कि हमें इससे छोटी बड़ी हर न्यूज़ मिलती है और हर घर घर में रेडियो जो ललित लोकवाणी से जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं इससे हमें सारी जानकारियां मिलती हैं। जो भी जानकारी है पंचायत हो, पंचायत के चुनाव से संबंधित हो, आम चुनाव से संबंधित जानकारी हो और जो वर्तमान में जो भी योजनाएं सरकार द्वारा प्रसारित की जा रही हैं उनके बारे में उनको जानकारी देना और गाँव के जो मुख्य इशू होते हैं उनको भी हमें रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि हमने जो लड़के लड़कियां थे वो गांव के लड़के लड़कियों को चुना ताकि कम्युनिटी रेडियो का जो सरकार की जो पूरी मंशा थी कि कम्युनिटी रेडियो जो बने वो कम्युनिटी के लिए बने, कम्युनिटी के द्वारा उसे चलाया जाए और कम्युनिटी के ही कार्यक्रम उसमें बने और कम्युनिटी के लोग ही उसको चलाएं, तो हमने गाँव के लोगों को चुना। तो गाँव के लोग चूँकि बहुत ज़्यादा उनकी क्वालिफिकेशन नहीं थी, प्रोफेशनल ज्ञान नहीं था,
तो ये हमारे सामने बहुत टेक्निकल उनको कैपेबल बनाना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक जमाना आ गया है, ऐसे इस दौर में क्या लोग रेडियो को सुनते हैं? बिल्कुल, गांव में तो बिल्कुल, जैसे कि हमारे यहाँ पर झांसी में ये है ललितपुर जाखलोन में लाइट की समस्या रहती है, वैसे अब तो नहीं है इतनी, तो रेडियो तो ऐसा है कि लाइट चली जाती है, खाना बना रहे हैं, और मोबाइल जैसे डिस्चार्ज है, मोबाइल डिस्चार्ज है, टीवी नहीं है, तो रेडियो एक ऐसी चीज़ है कि हम खाना भी पका रहे हैं और अपनी न्यूज़ भी सुन रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं, लोकगीत भी सुन रहे हैं, सारी जो जानकारी है वो हमें रेडियो से मिलती है। इससे हमारे गांव की जो महिलाएं हैं, जो अनपढ़ हैं, जो कम पढ़ी लिखी हैं, वो बहुत जागरूक होंगी, इससे अपना काम भी करती जाती हैं और उन्हें नॉलेज भी मिलती है, काफ़ी जानकारी मिलती है। जैसे कि कुछ महिलाएं हैं घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, घर में ही रहती हैं, अब तो घर से बाहर जाके ही तो कुछ जानकारी मिलती है। अभिलाषा थी मन में हरे राम, अभिलाषा थी मन में ललित लोकवाणी खुलने से हम लोग छोटे मोटे कलाकारों को मौका मिल रहा है गाने बजाने का, और हम लोगों के गाने बजाने की आवाज़ ललित लोकवाणी द्वारा लोगों तक पहुंच रही है, जिसमें हम लोग स्वास्थ्य संबंधी, साफ सफाई संबंधी, भजन चेतावनी संबंधी और बुंदेलखंडी सांस्कृतिक गीत भी गाते बजाते हैं जो लोगों तक पहुँच रहे हैं। जो भी हम कार्यक्रम बनाते हैं उसको पहले स्पेशलाइजेशन करते हैं या नेट पर सर्च करते हैं, और उसके बाद थोड़ा उस पर हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्टूडियो में भी लिख सकते हैं और फील्ड में जाकर भी कुछ इशू हम उसमें समुदाय में जाकर के मीटिंग भी करते हैं। एक हम लोग नैरो कास्टिंग के माध्यम से भी उनको जानकारियाँ देते हैं और फिर उनसे उनका फीडबैक भी लेते हैं कि उनको जो जानकारी दी गई उनके लिए कितनी लाभकारी है और वो ऐसा क्या है इसमें और कुछ जोड़ना चाहते हैं, जो कोई कमी रह गई है तो उसके हिसाब से भी उसको हम लोग पूरा करने का प्रयास करते हैं। सुझाव के लिए हमारा पता है सामुदायिक रेडियो ललित लोकवाणी केंद्र आलापुर, पूर्त जाखलोन, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश। जो गांव के लोग हैं आपका जो आकाशवाणी का प्रसारण सुनते हैं तो वहां से भी कुछ फीडबैक आता है, कुछ सुझाव आते हैं? हाँ, वहां से सुझाव आते हैं, एक तो फोन के माध्यम से भी आते हैं और लोग बाग लिखित में भी यहाँ आके भी अपने स्टूडियो पे आकर भी सुझाव देते हैं, और मेन तो सबसे अच्छा माध्यम है कि वो फोन के माध्यम से यहाँ हमारे एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, उस पर उनकी कॉल रिकॉर्ड हो जाती है, उनके जो भी सुझाव हैं हमारे मैनेजर साहब उसको सुनते हैं और उसके हिसाब से जो भी जरूरी है उस पर कार्रवाई करना हो उसको करते हैं। रेडियो स्टेशन खोलने में चुनौतियाँ तो बहुत थी, जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो लाइसेंस की जो प्रोसेस थी वो बहुत लेंदी थी और हम लोगों को करीब 3 साल लगे लाइसेंस लेने में। स्टाफ कितना है पूरा लोकवाणी केंद्र में? पहले यहाँ पर 20 लोग थे, अभी उसमें से करीब 8 लोग अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। इसके अलावा फाइनेंस एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जो विज्ञापन है, जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनको हम उतने हद तक नहीं जुटा पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास जो साधन थे वो सीमित थे और उनमें हम लोग उस तरह से नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमें यूनिसेफ ने सपोर्ट किया जिससे हमारा आर्थिक सहयोग हमें मिला। टेक्निकल भी बहुत इसमें काम था। अभी सरकार ने एक नई गाइडलाइन आई है जो सरकार की, उसमें सरकार पूरे इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट का भी कुछ परसेंटेज पैसा रेडियो स्टेशन इस्टेब्लिश करने में दे रही है। कुछ विभागों से हमें प्रोग्राम मिले हैं बनाने के लिए, पंचायत का कार्यक्रम उन्होंने किया है, हम लोगों ने अभी हम लोग DST जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसका कार्यक्रम अभी वर्तमान में हम कर रहे हैं, और बाकी सरकार के जो लोकल हमारे अधिकारी हैं उनके साथ में हमें लगातार सहयोग मिलता रहता है, किसी भी कार्यक्रम को बनाना है, कोई भी जानकारी चाहिए तो वो हमें आसानी से मिलती है। सर, ललित लोकवाणी केंद्र को आप कितने आगे तक ले जाना चाहते हैं? नहीं, हम तो ये चाहते हैं 24 घंटे इसका प्रसारण हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सुने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े और लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएँ, यही हमारा सपना है।